पूरा भारत आजादी की 75वीं वर्षगांठ का जश्न मना रहा है। 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस को लेकर तैयारियां जोर शोर से जारी है और इस बीच आज से हर घर तिरंगा अभियान के चलते गायिका स्वाति निरखी की अगुवाई में 75वीं वर्षगांठ के पूर्व संध्या पर सिविल लाइंस में 151 फीट लंबी तिरंगा यात्रा निकाली गई और देश की अखंडता और संप्रभुता का संदेश देते हुए एक राष्ट्र एक धर्म एक तिरंगा एक हम नारा दिया। देखिए पूरे भारत में आज 75वें वर्ष में आज़ादी की हम हीरक जयंती मना रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। आज 75वें वर्ष में हीरक जयंती जयंती पे जैसा उत्सव है, ये ऐसा उत्सव मेरे हिसाब से नहीं, हम हर एक भारतवासियों के हिसाब से हर एक साल पे ऐसा उत्सव होना चाहिए था जो आज हम मना रहे हैं। और बहुत साल लगे भारत राष्ट्र को इस तरह से जगाने में, इस तरह से जोश दिलाने में, और निसंदेह अगर जोश नहीं होता तो हम आज़ादी हमें कैसे मिलती और हम यहाँ तक 75 सालों की इतनी लंबी यात्रा कैसे करते। इस बार खास ये है कि हमारे जितने भी खिलाड़ी हैं सबसे ज़्यादा गोल्ड लाया गया है, हमारे भारत में सबसे ज़्यादा गोल्ड लाया गया है। और उसके अलावा पूरे इलाहाबाद में रैलियां हो रही हैं, पूरे भारत में रैलियां हो रही हैं, अलग अलग झंडा लेके हम सब रैली कर रहे हैं, सबने अलग अलग अपनी रैलियां की हैं, लेकिन हमारी रैली में 151 फीट का झंडा है, एक राष्ट्र एक धर्म एक तिरंगा एक हम, ये हमारा मैसेज है। हम सर्वधर्म संभाव की भावना से यहाँ एकत्रित हुए हैं। भारत जैसा कि एक धर्म निरपेक्ष देश है, हमने वही जताने की कोशिश की है कि हम एक तिरंगे के नीचे उनके संतान हैं, उसको लहराते हुए सर सम्मान यहाँ तक लाए हैं और यहाँ से वापस लेके जाएंगे। आज़ादी की हीरक जयंती की आप सभी को ढेर सारी बहुत बहुत शुभकामनाएं, हीरक शुभकामनाएं आप सभी को। हमारा देश ऐसे ही चमचमाता रहे ब्रह्मांड में, हमारा झंडा ऐसे ही लहराता रहे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत स्वतंत्रता दिवस को खास बनाने के लिए सरकार हर घर तिरंगा कैंपेन चला रही है। लोग अपने अपने घरों और प्रतिष्ठानों पर तिरंगा झंडा फहराएंगे। सरकार ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत सभी लोगों से अपने अपने घरों या प्रतिष्ठानों पर तिरंगा फहराने की अपील की है। इसी के चलते गायिका स्वाति निरखी ने सिविल लाइंस लोक सेवा आयोग गेट से 151 फीट लंबा तिरंगा को लेकर पैदल सुभाष चौराहे तक पहुंचकर राष्ट्रगान गीत गाकर इस यात्रा का समापन किया।